बीते चार दिन से वाराणसी और चंदौली जिले में एटीएम कैश वैन से हुई 64 लाख रुपए गायब होने की घटनाओं का मुगलसराय कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने खुलासा कर दिया है। 7 अप्रैल को मुगलसराय के बैंक ऑफ इंडिया एटीएम कैश वैन से गायब हुए 38 लाख और वाराणसी के लंका इलाके से एटीएम कैश वैन से गायब हुए 26 लाख रुपए के मामले में पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा करते हुए 3 लोगों को पकड़ने में सफलता पाई है। दरअसल 7 अप्रैल को मुगलसराय के बैंक ऑफ इंडिया एटीएम के पास से सीएमएस कंपनी के कैश वैन से 38 लाख रुपए से भरा बॉक्स गायब होने के बाद हड़कंप मच गया था। इस मामले में मुगलसराय कोतवाली पुलिस जांच में जुटी थी। इस बीच 2 लोगों के घटना के समय ही कैश बॉक्स लेकर जाने का सीसीटीवी विजुअल भी सामने आया था। मामले में मुगलसराय कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है थी कि 10 अप्रैल की शाम वाराणसी के लंका इलाके में यूबीआई एटीएम के पास से 26 लाख 50 हजार से भरा कैश बॉक्स गायब होने की खबर से हड़कंप मच गया। पीएम के संसदीय क्षेत्र से एटीएम कैश वैन से बड़ी मात्रा में कैश गायब होने के बाद पुलिस पदाधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और तुरंत वाराणसी सहित आसपास के जनपदों में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान मुगलसराय कोतवाली पुलिस को सफलता मिली और मुगलसराय स्टेशन गेट के पास एक मैजिक में सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और पश्चिम बंगाल के हुगली इलाके के रहने वाले हैं। ये गैंग पहले कैश वैन की रेकी करता, फिर कैश वैन के अगले हिस्से से पेशकश के माध्यम से कैश वैन का लॉक तोड़कर बॉक्स लेकर चंपत हो जाता है। चूंकि इनकी भाषा अलग थी इसलिए कोई शक भी नहीं कर पाता था। यह गैंग कैश वैन में तैनात कर्मियों की लापरवाही का पूरा फायदा उठाता था। इसी गैंग ने 2015 में मुगलसराय नगर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से कैश काउंटर से नाबालिग बच्चे के जरिए 30 लाख रुपए गायब करने की घटना को अंजाम दिया गया था। यही नहीं, जिले के चहनिया क्षेत्र से बैंक से पैसा निकालकर जा रही महिला के रुपए छीनने की मदद करने के बहाने 70,000 रुपए का घपला भी इसी गैंग ने किया था। जबकि वाराणसी में पैसा निकालकर जा रहे एक व्यक्ति से 4 लाख रुपए छीनने की घटना को भी इन्हीं तीनों ने अंजाम दिया था। डीआईजी जोन के अनुसार जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ कर दिया जाएगा। चूंकि विगत 4 दिनों में लगभग 64 लाख रुपए कैश वैन से गायब होने के मामले ने हड़कंप मचा दिया था और इस खुलासे से पुलिस राहत की सांस ले रही है। ये गैंग मुख्यतः तिरुचिरापल्ली जिले तमिलनाडु प्रदेश का है और इसमें कुछ सदस्य बंगाल के भी हैं। ये दोनों मिल करके घटनाएं कारित करते हैं और अपना ठिकाना ये बदलते रहते हैं। फिलहाल इनका ठिकाना हमारे प्रदेश में या इस चंदौली वाराणसी में नहीं था, ये दूसरी जगह से यहाँ घटना कारित करने के लिए आए थे। वो डिटेल्स, क्योंकि ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, वो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगा। हमारी टीमें लगी हुई हैं इनके जहाँ ठिकाने हैं वहाँ पे दबिश दे करके और लोगों को गिरफ्तार करने। कितना बड़ा गैंग है सर ये और किस तरीके से इसको पकड़ेंगे? लगभग इसमें 8 सदस्य हम लोगों के रडार पर हैं जिन्हें हम लोगों को गिरफ्तार करना है। 3 सदस्य गिरफ्तार हैं, शेष की गिरफ्तारी शीघ्र ही कर ली जाएगी।